लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि औरतों को हमेशा झुक कर रहना चाहिए? तभी तो उन्हें पर्दे में रखा गया है सदियों से। तुझे उन औरतों की हिम्मत हर हालत में तोड़नी पड़ेगी। ए कोई खेल लो है लड़की, ए जिंदगी और मौत के लड़ाई आए। मेरी भी लड़ाई सम्मान की है दीदी। कबड्डी 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 कबड्डी। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ी संगवारी। आज कबड्डी खेलने का मूड में नहीं है, लेकिन एक रात को फिल्म देखा कबड्डी, भाई मजा आ गया। भाई फिल्म देखने के बाद, फिल्म तो बहुत पहले के रिलीज हो चुकी है, बस यूट्यूब पे भी आना बाकी है। भाई फिल्म बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जानदार है, और इस फिल्म के निर्माता को तो भाई हमारे तब से 21 तोपों की सलामी और सैल्यूट भी है कि भाई ये फिल्म हर भाषाओं में इसका रीमेक किया जाए, चूँकि ये महिला प्रधान फिल्म है और छत्तीसगढ़ या शायद पहला महिला प्रधान फिल्म भी है। तो चलिए संगवारी, हम हूँ कबड्डी फिल्म के बारे में बात करूँ। उससे पहले जो भी मोरा चैनल पनवा तो संगवारी तो झरा झरा नहीं हो रहा है, न्योता है कि मोर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबाओ ताकि हमारा हर अपडेट आपको पहले मिले, और अपन संगवारी लोग भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलो ताकि तो संगवारी को भी पता चले कि छत्तीसगढ़ यह फिल्म कब कहाँ कैसे आवा था मोर चैनल के माध्यम से। चलो कबड्डी फिल्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले कबड्डी का एक छोटा सा सीन देखते हैं, भाई मजा आएगा। अगर हमन भैरव सिंह के आदमी मन से कबड्डी के खेल में हार जथन, ये गाँव ला खाली कर दे बोन, खाली कर दे बोन। दीदी अब आप ही मन बताओ हमन का करन। तुमन जतका औरत मिलके ये जो करत हो, ये समाज तुमन ला कभू नहीं भूल पाए। तुमन मान हो हर औरत के, तुमन जीतो या हारो तुम्हार लड़का मन। मजा आया बहुत बिंदास कबड्डी। भाई छोटे थे हम लोग भी तो कबड्डी खेला करते थे, चूंकि मैं खुद एक स्टेट का कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ। खैर मैं क्या क्या हूँ वो तो आगे वीडियो में वक्त बताएगा। चलिए इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक और जो कैमरे के पीछे काम किए हैं उनके बारे में बात कर लें। तो इस फिल्म के निर्माता है सुनील तयाल जी और सह निर्माता है विकास जैन जी। भाई दोनों लोगों ने अपनी मतलब पैसा तो लगाया दांव पे, लेकिन बहुत सटीक जगह पे लगाया और फिल्म को भी बम्पर बनाया। और फिल्म का निर्देशन कुलदीप कौशिक जी, वाह क्या बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट है आपको। और लेखक भी हैं इस फिल्म के कुलदीप कौशिक जी, और गीत लिखे हैं शोभना ठाकुर जी, और संगीत दिया है कृष्णलाल चांदनी जी, देवांशी देवांज गुहा जी, और फिल्म के गाने गाई हैं हमारी मोनिका वर्मा जी, और डीओपी है हमारे कृष्णा रामान जी। और फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले और छोटा सा सीन देखते हैं कबड्डी फिल्म का। कहानी में एक रावण होते, अब तुम सब मेरे हो। दीदी मुला कुछ ठीक नहीं लगा थे, कब तक अपन आदमी मन की गलती ला छुपात रहो, कभू तो कोनो ला कोई कदम उठाए ला पर ही। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत, क्या बकवास कर रही है तू? जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं भगवान भगवान के। भगवान भी सबको एक मौका देता है कि अगर। चलिए कबड्डी फिल्म का सीन देखने के बाद आपको हम बताते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है। ललित परियोम, मन्नत सिंह, दीक्षा मन, उर्वशी साहू, उपासना वैष्णव, भाई शशांक प्रजापति, रितु सिंह, गणेश उपाध्याय, संतोषी साहू, रोशनी शाह, विकास शर्मा, रिद्धि गुप्ता, तमाम लोग सुपरस्टार भरे पड़े हैं। चलिए इस फिल्म के कहानी पे भी हम थोड़ा सा फोकस करें, तो फिल्म का कहानी पे फोकस करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सीन देखते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। ये कहानी है एक अनोखा गांव की। एक हरनाव पहली नारक रही से। राधे राधे दाई। राधा रानी माहौल पिला दे तोर इशक के पानी। फिर कौन जाने कब आ की डंडा हम मिट गई और कोनोला परवाह तक नहीं रही। ये ले ते जाग का पानी। भाई सीन में आप लोगों ने काफी समझ गया होगा कि ये फिल्म कबड्डी पे ही आधारित है, क्योंकि डिस्प्ले पे भी साफ चल रहा है हमारा कबड्डी पे ही फिल्म आधारित, तभी तो इस फिल्म का नाम है कबड्डी। चूंकि एक गांव में महिलाएं हैं जिसमें यही दिखाया गया है कि नारी है तो लड़ सकते हैं, और लड़ सकते हैं तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं।
भाई ये हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और उसमें महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए फिल्म काफ़ी हद तक सपोर्टिंग के लिए काम कर रहा है। तो भाई महिलाओं को शिक्षा के लिए कैसे जागरूक किया गया है, खेल के प्रति कैसे जागरूक किया गया है, यही चीज़ इस फिल्म में दिखाया गया है। बाकी आप फिल्म अगर देखे होंगे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो बहुत ही जल्दी ये यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। भाई कब आएगा सब कुछ बताएंगे, जब उससे मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपको बता देंगे कि बड़ी फिल्म आप लोगों के बीच कब कहाँ आ रही है। तब तक मेरे को दीजिए इजाज़त, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।